जो कथा कहने गया है बाबा का लड़का जो पंडिताइन मार गए बड़ी वही मर ले है बाणा बाबा। अच्छा जो कथा वो तो कह रहा कि हम गए थे बलिया में गए हुए थे कथा नहीं, नहीं कहीं नहीं गया है बलिया में मार के वो गया है। हाँ अभी मीडिया में बाइट दे रहा है कि हम बलिया उस वक्त गए थे। नहीं 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 वही मर ले माना वही बाबा मर ले माना जो लोंडा कथा के कहता ना कि हम गए नहीं कथा कहे हमारे घर बर्थडे रहे वही सब मैटर बढ़ा ले बना। आप उनसे मिली थी कभी? अरे वो हम मिल बानी हम नई बिरादर हैं उनका सपोर्टर में पर्चा दाखिला में प्रधानी में हमन का वोट उनके देले हैं जाए। हाँ अच्छा आप भी यादव? हाँ अभी यादव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यादव हैं इसलिए उनका सपोर्ट कर रही? नहीं 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 इस वक्त हमारी मौजूदगी है देवरिया के फतेहपुर गांव में, वही देवरिया का फतेहपुर गांव जहां पर 6 लोगों को जान से मार दिया जाता है। चाची आप यहीं के हैं इसी गांव के? हाँ, इसी गांव। क्या आप जानती हैं प्रेमचंद यादव के बारे में? वो कैसे व्यक्ति? बहुत बढ़िया अच्छा आदमी रहना है बाबू। वो बदमाश नहीं रहना है बबे लोग उनके घटना घटौले वालों वो किसी के मारने वाला आदमी नहीं रहना। हाँ तो कैसे इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? क्या विवाद था उन दोनों के बीच? वो विवाद अब यही जमीन के बारे में कह रहे हैं लोग। हाँ। तो जमीन के बारे में विवाद तो सब सुलह सपाट हुआ। अब ये नहीं जाना कि वो बाबा कैसे उसको मार दिया, प्रेमचंद नहीं मारा है उसको। आपको लगता है कि ये दुबे परिवार के लोग ही प्रेमचंद को मारे हैं? हाँ दुबे परिवार मारे हैं लोग। कैसे लगता आपको? सुबह में 6 बजे मारा लोग। हाँ इतनी सुबह सुबह प्रेमचंद यादव वहाँ क्यों गए थे? आओ लोग बुलाए थे लोग सुलह सपाट करने के लिए किया वो हमारे घर। क्या सुलह सपाट करने के लिए? वही जमीन की विवाद के बाद। अच्छा जो विवाद पहले से चल रहा था। हाँ। ये लोग बुलाए थे कि आकर इसका सुलह कर लीजिए। सुलह कर लीजिए। हाँ और कोनो बात नहीं है। तो फिर मार क्यों दिया अगर सुलह करने के लिए बुलाए थे? तो बुलाए लोग तो अब वही बाबा लोग ने जान लो कि क्या है खाते कि हम उनका यादव जी के मारा था नहीं है यादव जी के वही लोग मारल बालोग अब बॉबे के बॉबे मरले बालोग आखिर केहू पाल्टी नहीं मरा है। अच्छा उनका एक बेटा था जो इस समय मीडिया में बोल रहा है देवेश, वो बोल रहा कि हम घर पे नहीं थे हमारे साथ ऐसा हो गया हमारे परिवार के को सारे मार में घर नहीं रहल वालों। हाँ उनके परिवार में घर नहीं रहल वाले। किसके परिवार घर नहीं थे? प्रेम प्रधान के घर के होने। प्रेमचंद दुबे के घर वाले नहीं गए थे वहाँ पे? प्रेम के घरे नहीं वो दुबे जी के पंडित जी के घर गए थे कि नहीं? प्रेम प्रधान। हाँ प्रेमचंद यादव के घर से जब प्रेमचंद यादव को मार दिया गया। हाँ। आप कह रही वहाँ पे मार दिया गया तो इनके घर से कितने लोग गए थे लगभग? प्रेम प्रधान के घर से कोई आदमी नहीं गया है। तो फिर कैसे वो वहाँ पे बना 20-25 लोग कैसे 5 लोग मारा गया? अब मारा गया बाबा लोग मारने वालों 5 जीवा के बाबा सपोर्टर रहना ना प्रेम यादव का तब ना वो बाबा वो बॉबे सपोर्टर वाला वही बॉबे मरा है। हाँ बॉबे मर ले। हाँ बॉबे मर ले बना प्रेम यादव के घर का कोई नहीं मरा है। हाँ बॉबे लोग बॉबे का बॉबे मरा है लोग। हाँ ये तो खबर में चल रही है कि उनका ड्राइवर जो प्रेमचंद यादव का ड्राइवर था उसी ने मारा उनको। हाँ वही मारा है वही। लेकिन चाची ये भी तो बात सोचने वाली है कि अगर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को प्रेमचंद के ड्राइवर ने मारा है। हाँ। तो फिर प्रेमचंद को किसने मारा? प्रेमचंद यादव को किसने मारा फिर? जो कथा कहने गया है वही मारा है। सही जो कथा कहने गया है बाबा का लड़का जो पंडिताइन मार गए बड़ी वही मर ले है बाणा बाबा। अच्छा जो कथा वो तो कह रहा कि हम गए थे बलिया में गए हुए थे कथा नहीं, नहीं कहीं नहीं गया है बलिया में मार के वो गया है। हाँ अभी मीडिया में बाइट दे रहा है कि हम बलिया उस वक्त गए थे। नहीं 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 वही मर ले माना वही बाबा मर ले माना जो लोंडा कथा के कहता ना कि हम गए नहीं कथा कहे हमारे घर बर्थडे रहे वही सब मैटर बढ़ावले बना। हाँ और के वो मैटर नहीं बढ़ावले। अच्छा चाची ये हमें बताइए ये अब लोग कहते हैं कि प्रधान प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चला दिया जाए उनका घर गिरा दिया जाए का प्रधान प्रेमचंद यादव पहले से ही मतलब अपराधी रहन है या कैसे? बाबू अपराधी नहीं रहना अपराधी कैसन रहन बहुत बढ़िया आदमी रहना बहुत बढ़िया रहना बहुत बढ़िया आदमी रहना। हाँ गलत आदमी नहीं रहना। आप उनसे मिली थी कभी?
अरे वो हम मिल बानी, हम नई बिरादर हैं, उनका सपोर्टर में पर्चा दाखिला में प्रधानी में हम उनका वोट उनके दे ले हैं जाए। हाँ अच्छा, आप भी यादव? हाँ अभी यादव हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यादव हैं इसलिए उनका सपोर्ट कर रही? नहीं नहीं नहीं, यादव गांव नहीं, बीन और केवट सब लोग इसी की वोट दिए। हाँ आपका कहने का मतलब कि ये बहुत अच्छे थे? अच्छे थे। हाँ फिर अभी उनके घर को गिराने की बात चल रही है? नहीं उनका घर नहीं गिरे। हाँ उनका पिताजी घर बनवाले हैं, न प्रधानी में या न जिला पंचायत में घर नहीं बनल। अच्छा एक चीज़ ही बताओ, उनके भाई इन्हें काहे जमीन लिख दे हैं, जबकि उनका भाई तो रहे ना पंडित के ने। हाँ। तो फिर पंडित इन्हें, पंडित के भाई इन्हें काहे जमीन लिख दे हैं? पंडित उनके घरे खाना, उनके घरे रहे ना, अब वही पंडित बताई है ना, अब वही पंडित बताई है ना कि काहे लिख दिया ना, पैसा लिया ना, पंडित तो लिख दिया ना। उनके घर जाके पूछना बाबा से कि तुहरे भाई जमीन लिखा था ना, हम लिखवा ली, तो कौन हमसे वो जमीन से मतलब नहीं है। अच्छा सत्य प्रकाश दुबे कहन हमसे वो जमीन से मतलब ना बाटे, तो वो प्रेमचंद यादव जाके लिख दे। हाँ लिख दिए ना, और उन्हें संग है रहतो रहना हो। काहे वो अपने सत्य प्रकाश दुबे के साथ ही काहे ना रहते रहे? तो अब वो लोग नहीं रहे दे लोग, तो दूसरा ही के ना लिखी है। हाँ वो लोग रह ना देते रहे? नहीं रह नहीं देते रह लो। काहे? अब उनके झगड़ा करते रह लो। हाँ उनके खाना नहीं देते रह लो, अभी भी उनके अभी उनके घर नहीं रहे लो बाबा, इन्हें घर रहे ना बाबा। मतलब खाना पीना सत्य प्रकाश दुबे अपने भाई को नहीं देते थे? नहीं नहीं, तभी वो आके यहाँ पे रहते थे। हाँ प्रेम प्रधान के घर रहते रहना बाबा, बढ़िया आदमी रहना। अच्छा जी सत्य प्रकाश दुबे के लगभग कितना खेत रहा हुई मंडी जी के? 10 बीघा? नहीं 10 बीघा तो शायद लिखे रहे हैं। टोटल सत्य प्रकाश दुबे पंडित के लगभग कितना खेत हुई? अब खेत हम 10 बीघा प्रेम प्रधान के जानकारी लिखे रहे हैं, बाकी जो बचा वो उनके। हाँ जो अभी मरिया है सत्य प्रकाश दुबे, उनके लगभग कितना खेत अभी हुई? अब हम 2-1 बीघा हुई बचल। अच्छा चाची कहते रहने की 100 बीघा हुई उनके खेत लगभग, वहीं के रहने हैं तब। हाँ। हम शायद आप इधर के हैं तो हो सकता हो ना जानती हो, या फिर बकरी इतना ही जानकारी बाकी 10 बीघा खेत प्रेम प्रधान के लिख ले बना। हाँ अभी नहीं बता सके नहीं कि अब खेत कितना उनको बचल बा। अच्छा चाची आप कहा थे कि प्रेमचंद यादव बहुत अच्छा आदमी रहन है, केहू के कबो स्त्री ना कहे, केहू के मारे गरिया ना, केहू के झगड़ा वगैरह मार नहीं करता। तो सत्य प्रकाश दुबे कैसन रहन है? वो मन बढ़वाना बाबा। हाँ बाबा खुद मन बढ़वाना तबे ना मार दिया ना। हाँ प्रेम शंकर के प्रेम प्रधान के। वो लोग तो कहा थे हम लोग के परिवार उन्हें ना मारे गए। नहीं प्रेम प्रधान के ऊपर पे मरले वालों। हाँ। उनका लड़का कहा था हम कथा बाँचे गए रहे। नहीं नहीं जो कथा बाँचे गए बना वही मरले बना। हाँ। प्रेमचंद यादव के कै भाई रहन उन्हें लोग? बूढ़ा हो। प्रेमचंद यादव कै भाई रहन उन्हें लोग? प्रेमचंद भाई दुए भाई है ये। दुए भाई है। हाँ दुए भाई है। और उससे बेसी नहीं है। तो आपकी का लागत बाटे उनके घरे बुलडोजर चलाए उठे कि ना चलाई है? कहाँ से कि कुछ लोग मांग करते हैं कि प्रेमचंद यादव अपराधी हैं, इनके घरे बुलडोजर चले चाहिए। आप उनके गांव की हैं, आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहता नहीं कि वो प्रेम प्रधान अपराधी नहीं हैं, बड़ी बढ़िया अच्छा आदमी है, उनको घर ना गिरे। अभी उनको तो लोग अपराधी घोषित कर रहे हैं के यहीं के लोग अपराधी करता। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराधी है। हाँ। ये भूमाफिया है, जमीन हड़पते थे लोगों, गरीबों को सताते थे। किसी की जमीन नहीं सता केहू को नहीं सतावले बना, गरीब गुरबा केहू को नहीं सतावले बना। यहाँ से पूरा केवटान में जाके पूछ ली, बिन केवट से केहू के नहीं सतावले बना, सब अजानता उनके खातिर होता। अच्छा अच्छा जी एक चीज आप ही कहा थे कि उनका सत्य प्रकाश दुबे के लड़का हमारे भी, कैसे आप इतने दावक साथ कह सकते हैं कि वो कथा बाँचे ना गए, जबकि वो हमेशा हर मीडिया के सामने यह कहा था कि हम कथा बाँचे गए रहे हैं, हमारे परिवार के मार दिया गए, हमें न्याय चाहिए। वो खुद बला के प्रेम प्रधान के मरले वालों, प्रेम प्रधान की शक नहीं रहे कि हमके बाबा मार दे लो। अच्छा जब प्रेमचंद यादव मरी रहे तो तू गए रहू देखे? हाँ गए रहने के देखे। कैसे देखी उनके लिए कहाँ उनका उनका शरीर कहाँ रही है? उनका शरीर नहीं देख पाओ नहीं जाए, वही लड़ा पर पुलिस वाले जाए नहीं दिया लोग देखने के लिए, विटोर उटोर के बांध के चल गए ना पोस्टमार्टम। तो उन्हें कैसे बुलाई हुए? केहू जनता नहीं देखा। नहीं नहीं जैसे प्रेमचंद यादव के बुलाए हुए वहाँ उनके घर यहाँ सत्य प्रकाश दुबे के पंडित जी के यहाँ कैसे गए नहीं?
अहिर पार्टी बताओ लोग कि प्रेम प्रधान मार गए ना, ये जा बवाल हो गए, तब न जाके उनको पछ बाबा जाके मार ले बाना, हाँ बबे मार ले बाना, हाँ जिन उनके साथ है रहत रहना, अहिर पार्टी केहू नहीं मार ले, हाँ अहिर पार्टी केहू नहीं मार ले बाबा, तो उनके साथ न्याय हो चाहिए, हाँ उनके साथ अन्याय हो के चाहिए, हाँ तो दूध का दूध पानी का पानी ये हो के चाहिए, तो ये सब जो होत बाटे सही होत बा नहीं सही होत बा, प्रेम प्रधान का कहाँ सुनवाई होती है, कुछ नहीं सुनवाई होती है। अब इन तक प्रेमचंद यादव जी मारे सु पकड़े ना गए, जे प्रेम प्रधान के मरले वो अपन पकड़ाई ले नहीं भाई, आप एकदम श्योर पक्का कहते हैं, हाँ पक्का कहा था नहीं, वही मारा है लोग, हाँ वही मारा, भागते हुए देखी थी आप? नहीं नहीं भागते हम कोई आदमी नहीं देखा है भागते, हाँ भागते देख ले रहता तो गिरफ्तार नहीं उनके कह दे रहता, क्यों जनता नहीं देख ले, हाँ वो मार गए बना तब जनता सब गोल बा देखे, हाँ लेकिन आप कहते रहे कि सतप्रकाश दुबे की लड़का मार को नहीं गए बाटे, हाँ तो क्यों नहीं देखे रहे, वो सुबेरे भाग के गोल बना, कहाँ देखी थी आप उसको? देवरिया गई ना भाग को, उसको भागते हुए देखी थी, हाँ मार के वही भागल बना, हाँ तो देखिए चाची इसी गांव की हैं और चाची बता रही हैं कि वहाँ कैसे घटना हुई है, हालांकि पूर्ण जानकारी इनको भी हमें लगता है कि नहीं है, लेकिन जो लोगों से सुनी है वही बातें बता रही हैं, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इसमें कौन असली दोषी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।